ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े रहा, अपना दिखाना चाहवागे बॉर्डर पर जाने लग रही, पूछा कौन सा बॉर्डर बजाओ है, यानी एक ऐसा भाई बनया बनाया कमरा, हालांकि ट्राली है या जो मॉडिफाई कराई गई है, स्पेशल बनवाई गई है, इसका अंदर की जो सुविधा है वो अंदर जाएगा दिखावागे अपना अजय भाई। और पिकअप का पाछे जोड़ रखी है ताऊ जी, हटिए एक बार तो भाई आज क्या बात है, एक बार तो अंदर तो दिखाई दे सारी भाई, देखो किस तरीके तैयार की कपड़े टांगण की जो है खुंटी हो अगर वो भी लगाए रखी है, पीछे दिखाइए एक बार उन्हें, ये रही कपड़े टांगण की, और एलईडी लग रही हैं, बोर्ड लग रहे हैं दुर्की दुर्की छोटे, एक इस साइड देख लो बल्ब के लिए जगह है, छोटे पलग है पूरा, वो कूलर के लिए जगह है, बैग बुक रखने का तरी ये रही, और ऊपर छायत है गद्दे गद्दे रख करके। हाँ जी सत श्रीकाल जी। सनाम शहर है, उसके नजदीक पिंड शाहपुर कला है। अच्छा जिला कौन सा? संगरूर। संगरूर जिला पड़ता है। तो अभी स्पेस कौन सा बॉर्डर बजाओगे आप? आप टिकरी बॉर्डर पे जाएंगे। स्पेशल तैयार करवा के लेके आए? स्पेशल तैयार करवा के लेके। कितने रुपए में तैयार हुई है? 3.5 लाख में तैयार हुई। 3.5 लाख। और वो जगह कूलर के लिए? हाँ कूलर के लिए है। और आगे रसोई है? आगे रसोई है जी। एक ही तैयार करवाई है और भी तैयार करवाई इस तरीके की? ना एक ही तैयार करवाई है। और ये आवान खतर जाली लगवाई? हाँ जाली लगवाई है। और भाई पीछे कपड़ा भी लग रहा है इसमें, अगर बारिश बुरिश हुआ है तो वो नीचे हो जाएगा, यानी अंदर बूंद नहीं आऊंगी। बड़ा अच्छा तरीका तो मॉडिफाई करवाई है, और टिकरी बॉर्डर पे ये जान लग रहा है, आगे दिखाऊंगे जो रसोई है। बिल्कुल बिल्कुल हम भी देखेंगे। ये देखो भाई अच्छा रसोई है, यानी ये गैस का भाई घर बनाए दिया, गाड़ी का पाछा जोड़ के घर ना न्यू का न्यू ले जाने लग रहे हैं, और बड़ा बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कराई है। 3.5 लाख रुपये खर्चा इसका आया। आटे होता जी एक बार पीछे थोड़े भाई, ये देख लो ये रसोई है जिसमें मतलब एडजस्टमेंट इन्हें रखी, सारा सिस्टम वही, लाइट लुइट सारा जुगाड़, खाना खुना बनाए कनर, पीछे 4-5 खाट है जिंगे आराम से, और चुगरदा था दिखा देंगे एक बार। फ्रीज फ्रीज सारा ले रहे। अच्छा फ्रीज भी, ये देखो भाई फ्रीज और कूलर और वॉशिंग मशीन है गया सारा सौदा, यानी भाई ये घर बसा देंगे न्यू का न्यू, गर्मी के लिए फ्रीज भी वॉशिंग मशीन पिकअप का पाछा जोड़ रखिए, पूरी सुविधा। और एक बार चुगरदा घूम के दिखावांगे कोई बात ना, नंबर चला भाई पंजाब तक गाड़ी आई संगरूर जिला, तो आप देख सको PB11A R9037, और कितनी बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करवाया कने, और एक ट्राली बनवाई है इस, इसका 3.5 लाख रुपये खर्चा बता रहे हैं, वॉशिंग मशीन कूलर फ्रिज सारा सौदा अपने साथ में ले रहे हैं, और कितना बढ़िया तरीके से मॉडिफाई करवाएगा, पूरी लंबी 25-30 फुट शायद ज़रूर इसकी लंबाई होगी, और पीछे का ये सीन ये देखो, स्पेशल कूलर के लिए जगह भाई कोतरी है, कूलर के लिए जगह है, ये देखो स्टैंड बन रहा है, इसको ऊपर कूलर टिक जाएगा और न्यू का न्यू, और साइड में झाकी अगर आप देखोगे हवा लागण खतर ये झाकी बनाए रखी है, हवा लागे जाओगी और ये नीचे भी हो जाएंगे, मतलब अगर बारिश बुरिश आओगी तो नीचे भी हो जाएंगे, कितना बढ़िया तरीक़त है, यानी फुल तैयारी किसाना की जो है पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी तक किसान टिकरी बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। तो वीडियो ना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो, सरकार ने भी थोड़ा दिखा दो किस तरीके से मतलब किसान अपनी औका कर रहे हैं भाई, फुल तैयारी में भाई, इनकी एक जिद है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, उस जिद में अपनी जो है पूरी तैयारी करके ना अलग अलग मतलब इतना बढ़िया सिस्टम करवाएगा जो है बॉर्डर पर जान लग रहे हैं, बढ़िया तरीके से भारतीय किसान यूनियन का ऊपर झंडा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना शेयर कर दियो, आपके सोच विचार प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए जरूर दे दियो, अच्छों ने अच्छा जाना बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना, जय जवान जय किसान।